दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक घोषणा हुई है कि भारत में जो है सरफेस लैपटॉप स्टूडियो जो है भारत में ऑथोराइज रिटेलर पे जो है उपलब्ध हो चुका है, जिसे जो है पिछले साल जो है सितंबर में ग्लोबली लॉन्च किया गया था। कंपनी ने जो है इसे अभी भारत में भी पेश किया है। कंपनी ने कहा है कि ग्राहक 15 फरवरी से जो है 7 मार्च के तक जो है प्री ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें जो है लैपटॉप के साथ में आपको जो है 11,000 का स्लिम पेन 2 जो है स्टाइलस मुफ्त में मिलेगा। इसके अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला 14.4 इंच का जो है पिक्सेल लेंस टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन जो है 2400x1600 का है। और साथ ही में इसमें जो है 10 पॉइंट मल्टी टच का सपोर्ट मिलता है। इसमें क्वाड कोर का 11 जनरेशन वाला इंटेल कोर प्रोसेसर मिलता है, जिसके साथ में 32GB का LPDDR4X रैम मिलती है और 2TB तक जो है SSD स्टोरेज के साथ में आता है। जबकि जो है इंटेल कोर i5 चिपसेट वाले मॉडल में भी जो है XE इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है। इसमें जो है विंडोज 11 OS पर ये काम करेगा। ऑडियो के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप स्टूडियो में जो है कॉर्ड ऑर्गोनॉमिक्स जो है इसमें ऑमनीसोनिक जो है स्पीकर मिलते हैं, ड्यूअल फार फील्ड स्टूडियो मिक्स और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। कैमरे के लिए इसमें जो है 1080 पिक्सल वाला फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। कंपनी का कहना है कि इसमें जो है इंटेल कोर i5 प्रोसेसर वाले मॉडल की में जो है लगभग 19 घंटे तक जो है बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें जो है 65 वैट का जो है सरफेस पावर सप्लाई एडेप्टर मिलता है। दूसरी ओर जो है i7 चिपसेट वाले मॉडल को जो है 18 घंटे तक बैटरी लाइफ देने का कंपनी का वादा है। इसमें जो है 10 वैट का जो है सरफेस पावर एडेप्टर के साथ में आता है। कीमत की बात करें तो इसमें जो है शुरुआती कीमत 1,56,999 रुपये है, जो कि कुल 7 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आता है, जिनमें से 2 इंटरप्राइजेस और 2 ग्राहकों के लिए जो है इसमें जो है उपलब्ध कराया गया है। बाकी 5 मॉडल जो है सिर्फ इंटरप्राइज ग्राहकों के लिए उपलब्ध किया गया है। इसका जो टॉप जो वेरिएंट है वो लगभग 2,54,000 तक भी जाता है। ऐसे में जो है आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो आपको सूटेबल होगा आप वो खरीद सकते हैं। तो ये जो है भारत में उपलब्ध। इसी के नए प्रोडक्ट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें।